हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी शांघाई सिटी, थाईलैंड का एक जो सिटी है वहां पर, और मैं आज आपको एक टेंपल विज़िट करवाऊंगा, बौद्ध टेंपल जो कि लगभग 700 साल पुराना है। और कुछ लोगों का कहने का कहते हैं कि ये 700 से भी काफ़ी पुराना है, यानी कि 736 कुछ 738 कुछ ऐसा कहना है लोगों का। तो इस टेंपल का नाम है वाट मिंग म्यूयांग। तो मैं विज़िट करवाता हूँ आपको, अंदर कैसा है सब कुछ। तो ये एक राजा ने मतलब 700 साल पहले या जो भी 738 साल पहले बनवाया, तो दिखाता हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलते हैं अंदर। तो ये है इस टेंपल का नाम, वाट मिंग म्यूयांग। तो अगर आप शांघाई में हैं तो ये नाम टाइप कर आप इस टेंपल में आ सकते हैं, गूगल सर्च कर कि ये आपसे कितनी दूर है। बट वैसे मैं जनरली बताऊँ, ये सेंटर के बड़ा ही क्लोज है। तो जो यहाँ का क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर से मेरे ख्याल से हार्डली 500-700 मीटर तक डिस्टेंस पर ये टेंपल होगा। तो ये एंट्री पॉइंट है। तो देखते हैं अब 700 साल पुराना जो टेंपल है कैसा दिखता है। तो ये देखिए ऊपर आप सामने, ये रेड कलर की जो बिल्डिंग है, ये इसका मेन जो जहाँ पर बुद्धा जी और उन किंग की, जो 700 साल पहले किंग थे, उनकी कुछ मूर्तियाँ या उनके कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं। तो ये जो किंग थे, ये जब अटैक होते थे म्यांमार वाली साइड से, तो उन्होंने थाईलैंड के लोगों को यानी और शांघाई को बचाया है बहुत बार, तो इसलिए ये बड़े ही फेमस किंग हैं। तो ये देखो इधर इसमें ये एक बड़ा हॉल है जो मेडिटेशन हॉल है, कि यहाँ पर सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे मेडिटेशन की जाती है। जो भी बौद्ध मॉन्क हैं या लोकल पीपल का मुझे नहीं पता कि क्या लोकल पीपल भी आते हैं यहाँ पर, वो भी मेडिटेशन कर सकते हैं या नहीं। तो इधर एक छोटा सा ये देखो बना हुआ है, इसमें एक कुआं बना हुआ है। तो ये है वो, बट दिखाता हूँ मैं आपको, ये है वो कुआं छोटा सा। ये हैं वो किंग और उनकी जो महारानी हैं, उनकी ये यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, देखिए आप। इधर है टेंपल, तो मैं टेंपल का व्यू भी आपको दिखाता हूँ बाहर से भी और अंदर से भी। ये देखिए, ये बाहर हाथ जोड़कर पहरेदार या जो भी बोल रहे हैं वो खड़े हैं, और एक छोटा सा गेट इधर से भी है। अगर कुछ लोगों ने इस गली से एंटर करना हो तो इधर से भी आ सकते हैं सामने। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, ये देखिए, ये है टेंपल का व्यू। और जैसे कि थाईलैंड के बाकी टेंपल्स में है, वैसे ही सेम एंट्री पर दोनों साइड बड़े बड़े ड्रैगन्स, ये देखिए यहाँ पर स्टेयर्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ बिलो, तो अपने जूते यहाँ पर उतार के ही अंदर जाना है। तो ये बौद्ध टेंपल्स में ज़रूरी है। वैसे तो हमारे इंडिया में भी ऐसे ही करते हैं लोग, गुरुद्वारे में या मंदिर में या मस्जिद में जाते हैं तो चप्पल या जूते उतार कर ही जाते हैं। तो बट यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं ये, तो अच्छी बात है कि अगर हम किसी गुरु के या जिसको गॉड मानते हैं वहाँ पर, उनके सामने चप्पल वगैरह लेकर ना जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर एंट्री पॉइंट है, ये कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर पड़े हैं जो भी है लैंप टाइप के, तो काफ़ी अच्छे हैं। देखो अब मैं लेके चलता हूँ अंदर, ये हरे रंग की कुर्सियाँ पड़ी हैं, और इधर ये बौद्ध जो मॉन्क हैं उनके बैठने की जगह है, और ये है मेन सेंट्रल पार्ट। ऊपर देखिए लाइटें जल रही हैं, और आपको मैं पास से दिखाता हूँ, बुद्धा जी की काफ़ी सारी मतलब मूर्तियाँ पड़ी हैं यहाँ पर। ऐसे लग रहा है जब जैसे सब सोने का हो, कलर और लाइटिंग्स और जो भी है,
और इधर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये कोई मोंग हैं और शायद ये वो राजा हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। काफ़ी अच्छा अच्छा टेंपल बना हुआ है ये। वैसे तो मैं अब अच्छा बुरा तो नहीं बोल सकता, बट कहने का मीन डिज़ाइनिंग और जो भी बुरा तो कोई टेंपल होता ही नहीं है। आई मीन जितने भी मैंने यहाँ पे थाईलैंड में, शांघाई में, इधर उधर और भी सिटीज़ में टेंपल देखे हैं, तो बड़े ही उनका स्ट्रक्चर बड़ा ही अच्छा है कि जैसे मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने कुछ लकड़ियों से या कई चीज़ों में, मूर्तियों में खुदाई करके ऐसा ऐसा बनाया हुआ है। ये वो जो किंग मैंने बाहर दिखाए थे उनके महारानी हैं कि पेंटिंग करके बनाया हुआ है कि वो ऐसे दिखते थे उस टाइम 700 साल पहले की, जो यहाँ पर राजा थे तो जिन्होंने ये टेंपल बनवाया। तो ये देखो, चलो मैं आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत। और यहाँ से एग्ज़िट है, एग्ज़िट नहीं मतलब इस मंदिर से बाहर मेन एग्ज़िट नहीं अभी। एक वाइट कलर का टेंपल इधर भी है, इसमें देखिए आप। और यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, किंग मेंगराई वाज द फर्स्ट किंग ऑफ लान्ना हु फाउंडेड चांगमई एज द कैपिटल इन 1296। ओवर 700 ईयर्स अगो दिस टेंपल वाज बिल्ड बाय मदर। तो 700 साल पहले ये मंदिर बना है। ये आप थोड़ा सा अगर पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ सकते हैं डिटेल में क्या लिखा हुआ है। पहले इस टेंपल को बोलते थे वाट चांग मोब, नीलिंग एलिफेंट, और अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो ये है यहाँ का व्यू इधर से, पीछे वही बौद्ध धर्म का जो एक गुंबद सा लगा हुआ है, और इधर वो जो मंदिर है मैं बता रहा था कि ये अभी बंद पड़ा है। तो देखिए ये बाहर से काफ़ी प्यारा व्यू है ये भी। इधर एक छोटा सा हट टाइप का बना हुआ है। तो इधर से साइड में से देखें क्या प्यारा व्यू लग रहा है, रेड कलर का और सामने वाइट कलर का, और जो भी इस पे पिक्चर्स बनी हैं या नक्काशी की हुई है। तो ये था 700 साल पुराने मंदिर के बारे में। उम्मीद है कि आपको मंदिर काफ़ी हिस्टोरिक और अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली किसी और वीडियो में किसी नई जगह पर फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं बोलता हूँ बाय बाय, और आपको जल्दी फिर से मिलते हैं।